हमारे भी धर्म में आए हैं फिर आया है अपने आप को समझता था, था सब कुछ है आप हो और कुछ भी नहीं है और वो है और आप हो इस देश को बनाना है तो आपने बनाना है हमने बनाना जो यहाँ बैठे हुए हैं मिलके बनाना है अकेला यह देश नहीं बन सकता मेरे बहुत अजीज दोस्त शरद पवार जी इसके साथ साथ उदय जी जो भी यहाँ थे मगर जाना पड़ा उन्हें काम बहुत ज़रूरी था यहाँ पे कांग्रेस के नेता ठाकर साहबुन का भी सलाम मैं उनको भी देता हूँ यहाँ पे बहुत से नेता हैं जो हर जगह से आए हैं मैं उन सब का नाम ले नहीं सकता मगर महाराष्ट्र के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को मजबूत करना है इसके सिवा कोई रास्ता है नहीं एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं हम में क्या है जो एक जैसा है आप देखें आपकी परंपरा अलग खाना अलग मौसम अलग हर चीज अलग भाषा अलग हमारी भी भाषा अलग यहाँ गर्मी वहाँ बर्फ पड़ रही है और कपड़े अलग खाना तरीका सब कुछ अलग तमिलनाडु का अलग बिहार का अलग बंगाल का अलग वो क्या चीज़ है जो हमें इकट्ठा रखती है वो है कि हम लोग इकट्ठा होकर ही भारत बना सकते हैं उसके बगैर नहीं बन सकता और सबसे ज़रूरी बात जो है वह है मित्रता आपस में धर्म नहीं सिखाता है अलग अलग बात मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा मैं आपसे पूछता हूं एक डॉक्टर की हसीियत से आपसे पूछता हूं जब आपका मरीज अस्पताल में होता है और उससे खून चाहिए क्या वो उस खून की बोतल से वो मरीज या उसका रिश्तेदार ये पूछता है ये खून दलित का है ये दून सिख का है ये खून बौद्ध का है ये खून मुसलमान का है क्या पूछता है वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब दूसरी बोतल भी लगा लीजिए कि मेरा मरीज जो है यहां से जहर जा सके है या नहीं है क्या वो दवाई जो एक हिंदू खाता है अगर उसको पेट में दर्द है तो क्या वो सिख उस दवा वो नहीं खाता क्या वो मुसलमान और दूसरा नहीं खाता हर एक के लिए भगवान ने हम लोगों को जरूर एक जैसा बनाया है धर्म अलग अलग क्यों ना हो मगर हमें जोड़ता है धर्म जितना आप धर्म को मैं आपसे पूछता हूं जो आज राम जी का बहुत शोर करते हैं भगवान राम का क्या भगवान राम सिर्फ हिंदू का है वो तो विश्व का भगवान है वो तो अंग्रेजों का भी अमेरिकनों का भी रूसियों का भी और उनका भी भगवान है जिनको कोई मानने वाला नहीं मगर हम लोग आज अलग अलग किए जा रहे हैं ये मुसलमान है ये हिंदू है ये सिख है ये नहीं कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं हम इस देश के हैं हमने इस देश में रहना है क्या है आप मंदिर जाते हो उसको याद करते हो ना उसके सिवा तो कुछ नहीं है हम अगर मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं किसके सामने पढ़ते हैं वही जो आपका भी मालिक है वो मेरा भी मालिक है कोई फ़र्क नहीं है मगर इस तरह से आज हम में नफरत पैदा की जा रही है अलग अलग किया जा रहा है ये देश को मजबूत नहीं करेगा ये देश को कमजोर करेगा हम लोग को आपस में आपसे कहता हूं उन ताकतों से लड़ना है जो देश को कमजोर कर रही हैं, और वो ताकत बाहर नहीं है वो अंदर है हम में है उसको भटाना है तब आप इस भारत को बना सकोगे तब ये भारत मजबूत होगा आज हालत देखिए भारत की क्या है महंगाई देखिए कहां पहुंची आज गरीब पिस रहा है घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं मगर कहीं नौकरी नहीं है हर चीज गैस को देख लीजिए पेट्रोल को देख लीजिए आप अपनी बिजली की फीस को देख लीजिए हर चीज जो है इतनी महंगी हो गई है कि आज हमारे हम लोगों को आगे दिखता नहीं कि क्या होगा मगर एक बात कह रहा आपसे भगवान को कभी छोड़िएगा नहीं भगवान और अल्लाह ही है जो हम लोगों को इन मुश्किलों से निकालेगा ये याद रखिएगा हिम्मत रखिएगा हिम्मत रखिएगा याद है सबसे लिखा हुआ भगवान पढ़ा हुआ भगवान रावण यानी इतनी ताकत थी उसमें और इतनी नॉलेज थी उसमें किसी में नहीं थी मगर जब वो अपने आप को समझने लगा कि मैं ही हूं और कुछ भी नहीं है तो उसने ऊपर वाले ने सीता जी का अपहरण कराया और राम को तैयार किया कि तुम ही इसको मारोगे मगर जब भगवान राम से पूछा क्या तुमने मारा कहा मैंने नहीं मारा उसने मारा क्योंकि ये घमंडी हो गया था ये समझता था कि बस मैं ही हूं और मेरे बगैर कुछ नहीं है ऐसे हमारे भी धर्म में आए हैं फिर आया है अपने आप को समझता था सब कुछ है आप हो और कुछ भी नहीं है और वो है और आप हो इस देश को बनाना है तो आपने बनाना है हमने बनाना जो यहां बैठे हुए हैं मिलके बनाना है अकेला यह देश नहीं बन सकता वो कहने में आपके पास आया हूं और आज भुजबल जी को मुबारक करता हूँ पचहत्तर साल के इसमें बहुत पाना मेरा इनसे भी जा, जान पहचान है बहुत पानी और मुझे खुशी खुछ, है कि इन्होंने मुझे बुलाया शरद पवार जी ने मुझे बुलाया कि आपसे मुलाकात कर सकूं आपसे बोल सकूं मैं मुसलमान हूं मगर भारतीय मुसलमान हूं चीनी मुसलमान नहीं ये याद रखिएगा जीना यहां मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहां याद रखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप आपस में भाईचारा रखेंगे मोहब्बत बांटेंगे वही भारत को बचाएगा वही हमें मजबूत करेगा और वही हमारी आगे मैं नारा मारूंगा जोर से मारना मैं कहूँगा जय हिंद आप भी हाथ उठा के जय हिंद कहिएगा जय हिंद जय हिंद जय हिंद बहुत बहुत शुक्र